आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, सो आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एज। कि वो टूल जो कटिंग और पियर्सिंग में यूज किए जाते हैं उनका शार्प एज क्यों होता है। तो शार्प एज के लिए हमें, जैसे कोई भी मटेरियल है जिसको हमें कट करना है या पियर्सिंग करना है, तो यानी कट करने के लिए हमें मेनली क्या जरूरत होती है कि जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा प्रेशर डाले, उस पॉइंट पे इतना प्रेशर डाले कि वो कट हो जाए। और प्रेशर का फॉर्मूला मेनली क्या होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, मेनली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यानी कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। दैट मीन्स इफ एरिया इज डिक्रीज देन प्रेशर विल बी इंक्रीज। ओके, यानी कि अगर हम एरिया को डिक्रीज करते हैं तो यानी कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसलिए हम उस पॉइंट को इजिली कट कर सकते हैं या फिर किसी चीज को फाड़ सकते हैं। अगर किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर डालें, ज्यादा प्रेशर डालें किसी एक पॉइंट पे, वो ज्यादा प्रेशर कब डालेगा, जब एरिया कम होगा। तो दैट मीन्स इसीलिए जो टूल्स हैं जो कटिंग और पियर्सिंग के लिए बनाए जाते हैं उनका शार्प एज होता है। शार्प एज क्यों होता है, क्योंकि उनका एरिया कम होता है शार्प एज में, बिकॉज डिक्रीजिंग एरिया इंक्रीज प्रेशर। क्योंकि इस फॉर्मूले से क्या है हमारे पास, अगर हम एरिया की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। सो द शार्प एज टूल्स are used for cutting and piercing. Okay, thank you. Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE mains और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।